फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित पिलानी। दोस्तों, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं जो कि 3-4 साल पहले मेरे साथ हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में डीलर कॉन्फ्रेंसेस काफी रूटीन से होती रहती हैं। ऐसे ही एक डीलर कॉन्फ्रेंस 10 दिन बाद प्लान थी और मेरे बॉस ने मुझे बुलाकर कहा कि आई विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ MC इन दैट कॉन्फ्रेंस। जैसे ही मैंने यह सुना, यकीन मानिएगा, मुझको तो जैसे शॉक लग गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और मैं मानो जैसे कांपने सा लगा। उसके बाद बस मैं यही सोचता रहा कि मैं कैसे MC का रोल प्ले करूंगा, मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता है। दोस्तों, यह सिर्फ उस दिन की बात नहीं थी, मुझ में यह बहुत बड़ी कमी थी कि मुझे बहुत डर लगता था स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड। It is always there in my mind that there will be a blunder going to happen the day whenever I am going to stand in front of crowd for some presentation. और मुझे ये पूरा यकीन है कि बहुत से लोग ये चैलेंज फेस करते हैं इन देयर लाइफ। बट दोस्तों, यकीन मानिएगा, आई मैनेज दैट कॉन्फ्रेंस सो वेल कि बहुत से लोगों ने आके मुझको एप्रिशिएट किया। दैट वॉज द डे All fear and anxiety went away and today there is no concern speaking in front of crowd. मैंने ऐसा क्या किया? I called one of my close friend and told कि यार आज तो मानो ऐसा लग रहा है कि आसमान ही मेरे ऊपर टूट कर गिर गया हो। बॉस ने बुलाकर बोला है कि तुमको MC का रोल प्ले करना है, अब तू बता मैं क्या करूं। और दोस्तों, उसने मुझे सिंपल से टिप्स दिए और बिलीव मी, Those things have actually changed my thinking और उसी की बदौलत मैं उस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से मैनेज कर पाया। आज वही छोटी छोटी टिप्स, सिंपल सिंपल टिप्स मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, विच विल हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। फर्स्ट इज प्रिपेयर yourself मेंटली एंड फिजिकली। अगर आपकी बॉडी और माइंड डरे हुए हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस को यह पता चल जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंट एंड रेडी होकर स्टेज पर जाना काफी इंपॉर्टेंट है। योर आउटसाइड वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड वर्ल्ड। जो भी आपके भीतर चल रहा है वही आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज बिफोर प्रेजेंटेशन आपकी हेल्प करेगा आपका ब्लड रोटेट करने में एंड इट विल सेंड ऑक्सीजन टू योर ब्रेन। Mental exercises can help keeping the mind and nerves calm. Let me tell you some useful ways to calm your racing heart when you start feeling butterflies in your stomach. It's better to warm up before every speech. यह आपकी help करता है to increase functional potential of entire body. It increases muscle efficiency, improves reaction time and your movements. For example, neck and shoulder rolls, arm stretches and waist twist. Staying adequately hydrated before a speech आपकी मदद करेगा better sound करने में in front of your audience. A sip of water will do the trick. ज्यादा पानी भी नहीं पीना कि पता चले कि आपको presentation के बीच में ही washroom जाना पड़े. Next is मेडिटेशन। मेडिटेशन इज पावरफुल टूल टू काम द माइंड। यह आपकी मदद करता है टू गिव यू स्ट्रेंथ और फोकस करने में एंड ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन योर गोल। एक चीज जो कि कॉमन होती है उन लोगों में जो कि डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं बोलते हुए कुछ भूल गया तो क्या होगा, क्या लोग मुझे सुनेंगे, डू आई लुक स्टूपिड वगैरह वगैरह। मेरा सजेशन यह है कि इन सारी बातों की तरफ ध्यान देने की बजाय हमें अपने एक्चुअल टास्क पर फोकस करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपने बोलने से लोगों की थिंकिंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि लोग जब रूम से बाहर निकले तो उन्हें लगे कि आज कुछ अच्छा सीखा उन्होंने। ऐसा करने से आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थर्ड इज कन्वर्ट नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। यह बात तो सच है
कि हमारे अंदर हमेशा दो तरीके के विचार चलते रहते हैं. वन इज फिल्ड विद स्ट्रेंथ एंड करेज, वेयर एज अदर इज डाउट एंड इनसिक्योरिटीज. यह कोई नई बात नहीं है कि हम में से बहुत से लोग फील अनकंफर्टेबल गिविंग अ प्रेजेंटेशन. अगर हमारे मन में यह है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो यह ही सच रहेगा और हम नहीं कर पाएंगे. या फिर वी कीप आवरसेल्फ्स इन पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और यह सोचें कि मैं यह काम कर सकता हूं तो डेफिनेटली हम पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छा कर सकते हैं. फोर्थ इज अंडरस्टैंड योर कंटेंट. अगर आपका कंटेंट जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं आपको अच्छे से याद है तो इट विल रिड्यूस योर फियर एंड यू विल बी एबल टू डिलीवर इट मच बेटर. बहुत से लोग प्रेजेंट करते वक्त कंटेंट को सिर्फ पढ़ते हैं जिससे ऑडियंस को यह लग जाता है कि प्रेजेंट करने वाले को भी कंटेंट का पूरा ज्ञान नहीं है. यही अगर कंटेंट को समझकर प्रेजेंट किया जाए तो इट विल बी इजी टू कन्वर्ट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स इनटू योर ओन वर्ड्स विच कैन बी क्लियरली एक्सप्लेन टू ऑडियंस और ऑडियंस भी इससे आसानी से कन्विंस हो जाएगी. फिफ्थ इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट. और लोगों की तरह हम भी पब्लिक स्पीकिंग में परफेक्ट नहीं है. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी टॉपिक पर विदाउट एनी प्रिपरेशन लोगों के सामने बेझिझक बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले वो लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं बिफोर द प्रेजेंटेशन. पब्लिक स्पीकिंग लाइक एनी अदर स्किल ऑल्सो नीड प्रैक्टिस. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सिक्स पॉइंट इज बी ऑथेंटिक. हमें कभी भी किसी और के स्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम पूरी तरह कॉपी कर नहीं पाते और अपने स्टाइल को भी भूल जाते हैं. यू बिकम मोर जेन्युइन, फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस व्हेन यू आर स्पीकिंग इन योर ओन स्टाइल. अपने स्टाइल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी ऐसा टॉपिक चुने जिसके लिए आप पैशनेट हों और डिस्कस करें अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ. दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस और जितनी जल्दी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ प्रेजेंटेशन में कंफर्टेबल हो जाएंगे उतनी ही जल्दी आप पब्लिक स्पीकिंग में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे. लास्ट पॉइंट इज पोस्ट स्पीच वैल्यूएशन. यह भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि प्री स्पीच प्रिपरेशन. मेरा सजेशन है कि आफ्टर योर स्पीच आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. हाउ डिड आई डू? आर देयर एनी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट? डिड आई साउंड और लुक स्ट्रेस्ड? क्या मैं वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस कर पा रहा था? क्या मैं ज्यादा कर रहा था? और हाउ वॉज द फ्लो ऑफ स्पीच? और यू कैन रिक्वेस्ट समवन टू शूट योर वीडियो जो कि आप बाद में देखकर एनालाइज कर सके कि नेक्स्ट टाइम के लिए क्या पॉइंट्स हैं जो आप इंप्रूव कर सकते हैं. तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी कुछ टिप्स जो कि मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने दी थी जब मैं इस सिचुएशन में पहली बार आया था. और यकीन मानिएगा कि मैंने इन टिप्स में से मोस्ट ऑफ द टिप्स को फॉलो किया था और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से जस्टिफाई कर पाया और अपनी पहली पब्लिक स्पीकिंग को अच्छे से कर पाया. यह वीडियो देखकर अगर आपको लगा हो कि यह टिप्स फॉलो करने से आपको बेनिफिट होगा और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा. वीडियो का लिंक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. इफ यू वॉन्ट टू लर्न टू अर्न मोर तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.